जय जय श्री श्री राधे। राधे। आप समस्त भक्तजनों को, वैष्णव जनों को अक्षय तृतीया के पावन महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देते हुए, आप सबके जीवन की मंगल कामना श्री बिहार जी के चरणों में करते हुए, अक्षय तृतीया का पावन महोत्सव, ये महोत्सव हम सब के लिए बहुत ही आनंददायक विशेष महोत्सव है कि वर्ष में अक्षय तृतीया के पावन दिवस से श्री ठाकुर जी की ग्रीष्मकालीन सेवाएँ प्रारंभ हो जाती हैं। अक्षय तृतीया के दिन श्री बिहारी जी महाराज के श्री ठाकुर जी के श्री अंग पर चंदन का लेपन किया जाता है, शीतल शीतल वस्तुओं का भोग लगाया जाता है, ऋतु के फलों का भोग लगाया जाता है और चंदन सेवा करके आनंद महोत्सव मनाया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वर्ष लॉकडाउन के चलते हुए कुछ भक्तजन, वैष्णव जन श्री धाम वृंदावन तक नहीं पहुँच पाएंगे, जिनका नियम था श्री बिहारी जी महाराज के पावन चरणों का दर्शन करने, क्योंकि अक्षय तृतीया के पावन दिवस पर ही बिहारी जी महाराज के चरण दर्शन होते हैं वर्ष में एक बार। लेकिन हम उन सब समस्त भक्तों से ये निवेदन करेंगे कि आप अपने घर में ही रहकर अक्षय तृतीया के पावन महोत्सव को बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रसन्नता के साथ मनाएं। घर में विराजमान श्री ठाकुर जी की सेवा जो आपने पधराई हुई है, विराजमान की हुई है, उनके श्री अंग पर चंदन का लेपन करें, शीतल वस्तुओं का भोग लगाएं। सत्तू का विशेष महत्व होता है अक्षय तृतीया पर श्री ठाकुर जी के भोग में, तो चने का जो सत्तू है उसका भोग जरूर अर्पण करें श्री ठाकुर जी के। प्रिया जी के भी मुखमंडल पर, हस्त कमल पर पत्रावली बनाएं। आप समस्त भक्तों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई देते हुए, अक्षय तृतीया पर किया गया कोई भी कार्य अक्षय हो जाता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करें और भजन पर विशेष बल दें। जितना भजन करेंगे उतना ही अक्षय होता चला जाएगा। आप सबको पुनः पुनः अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।